हेलो वियर्स, आज हम ओवरनाइट कैंपिंग के लिए जा रहे हैं नागार्जुन सागर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। ये नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में आता है। आफ्टरनून 2 बजे हम हैदराबाद से निकले हैं, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। आफ्टरनून हम लोग लंच करके लगभग 2 बजे निकले हैं हैदराबाद से। यहाँ से लगभग रहेगा 150 किलोमीटर्स। अभी बस रात हुई है और 30 किलोमीटर बाकी है। हमका टाइम अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है 6:30। तो शॉपिंग वगैरह करने में देरी हो गया है, कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे। ये हमारे कप्तान साहब है, हमारे लिए फिश फ्राई बना रहे हैं। और ये मेरा दोस्त है, हम दोनों घूमने निकलते हैं, ज़्यादातर दो जने निकल जाते हैं। और ये गाड़ी लेके निकलते हैं हम लोग, मारुति इको। ये गाड़ी में हम लोग नागपुर, दिल्ली, अमृतसर होते हुए मनाली गए। मनाली से ऊपर केलांग तक गए, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर है वन वे। हम दोनों निकले हैं, उसका भी आपको वीडियो लगाएंगे। ये चिकन बारबेक्यू बन रहा है, ये फिश करी बन रहा है डिनर के लिए। मौसम भी बहुत ठंडा है बाहर, लगभग 10 डिग्री रहेंगे बाहर, एकदम शील्ड वगैरह है, हवा भी बहुत है। अभी हेडलैम्प लगा के वो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम देखने जा रहे हैं, देखेंगे रात में कैसा दिखेगा। एकदम कोहरा मोछा, दिन में फिर से दिखाएंगे इसको।
also location. ये सुबह के नज़ारे हैं। अभी हम कॉफ़ी बनाएंगे, एक कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट ब्रेड ऑमलेट। इसके बाद हम लोग वहाँ से एक 40 किलोमीटर दूर दोस्त के फार्म हाउस पे जा रहे हैं एक फंक्शन अटेंड करने। अरे तो दो फसल मिल जाता है एक साथ, राइस एंड फिश। ओके। और चाइना में तो फ्रॉग डाल देते हैं डालने से ना चावल में, खाना 5 मिनट में तैयार। लेकिन काम आएगा बहुत। देख लो देख लो, नीचे भी देख के चलिए। हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, वेरी केयरफुल। नमस्ते। यहाँ पे जबरदस्त मटन बनाए, यहीं पे हम लोग लंच किए हैं। उसके साथ इसका फ्राई, एक स्पेशल आइटम्स का काटने वाला जो है नौसिखिया है, स्नैक वगैरह सब एंजॉय करेंगेरा के साथ। क्यों पूछो? और इसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स आप मटन लेने गए कभी भी उसके रान पे इतना ध्यान देखे निकल गए किधर? थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे।